माई देखिए देखिए एक एक मिनट, मैं आपसे सिर्फ एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। आप पहलवानों का मुद्दा बेशक उठा सकती हैं, लेकिन हमारा मुद्दा जो है मोदी जी ने आज जो बोला और राहुल गांधी ने जो बोला उस पर है। आप चाहें बिल्कुल उठा सकती हैं, मैं रोकने वाला कोई नहीं होता आपको, लेकिन मैं बता रहा हूँ हम मुद्दे पर रहें जिस मुद्दे की आरपी सिंह ने बात की थी, है ना। एक मिनट, आपका मुद्दा है आज विश्व पटल पर भारत का किस तरह से नाम लिया गया, विश्व पटल पर आज साइबर स्पेस के अंदर द वर्ल्ड इज अ ग्लोबल विलेज टुडे विद द इंटरनेट, उस पर पूरे विश्व पटल पर आज दिखाई दे रहा है कि एक तरफ जो राजदंड ले रहे हैं हमारे प्रधानमंत्री, राजशाही में परिवर्तित कर रहे हैं लोकतंत्र को, और दूसरी तरफ बेटियों को घसीटा जा रहा है निर्ममता से, उनकी प्रतिष्ठा, ये विश्व पटल पर दिखाई दे रहा है। ठीक है आरपी सिंह जी, मेरा बड़ा सीधा सवाल है, ये बार बार पहलवानों की बात करिए, खैर हमारा मुद्दा दूसरा है, मैं सिर्फ आपसे ये जानना चाहता हूँ आप राहुल के इस बयान को कैसे लेते हैं जिसमें उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री तो ब्रह्मज्ञानी है, ये दिव्य ज्ञान राहुल जी को प्राप्त हुआ है? नहीं नहीं, वो उनका दिव्य ज्ञान उन पर, मैं इनकी गुरु नानक देव जी के प्रति उन्होंने जो आज बात कही मैं सुना देता हूँ, सुनना जरूरी आपके लिए। Somewhere that Guru Nanak ji had gone all the way to Mecca, Saudi Arabia. He had gone to Thailand. He had gone to Sri Lanka. So these giants were doing Bharat Jodo much before we were born. तो ये उपहास उड़ा रहे हैं गुरु नानक देव जी का, ये कह रहे हैं कि उन्होंने भारत जोड़ो तब करी थी। ये मेरे पास आपका ही नेता की वीडियो है, मैं भेज देता हूँ अभी आपको, सुना दीजिएगा प्लीज, दीपक जी सुना दीजिए इनको। दीपक जी मेरे पास 54 मिनट का वीडियो है, आपको द्वारा सुना सुनिए, ये आवाज कहीं बीच में कटी नहीं है महिमा सिंह जी। देखिए मैं आरपी सिंह का फेवर नहीं करना चाहता, लेकिन ये आवाज कहीं कटी नहीं है, हम लोग एडिटिंग बहुत अच्छी तरह समझते हैं, ये एक फ्लो में बोली गई है पूरी बात, बिल्कुल बोली गई है, लेकिन उससे पहले बसवन्ना, नारायण गुरु, आदि शंकराचार्य था, और राहुल गांधी जी जो भारत जोड़ो कर रहे हैं वो तो विशुद्ध राजनीतिक यात्रा थी, वो उन्होंने कोई भी यात्रा हो, विचार है भारत को जोड़ने का, विचारधाराओं को, संस्कृति को जोड़ने का, वो भारत जोड़ने के लिए यात्रा नहीं थी गुरु नानक देव जी की, मैं माफी चाहता हूँ। आपके नेता को जो ज्ञान मिलता है ना ऊपर से, जो ज्ञान चमकता है उनके सिर के ऊपर, वो आधा अधूरा ज्ञान होता है, व्हाट्सएप की दुनिया का ज्ञान होता है, या आप जैसे जो उनके स्पोक्स पर्सन को ज्ञान देते हैं, वो हमें छुपाइए, सिखों को छुपा इस बात का, हमको ये बात की बात लग रही है कि आप गुरु नानक देव जी का उपहास उड़ा रहे हैं कर अपनी अपनी राजनीतिक यात्रा के साथ। आप सब श्री गुरु नानक देव जी की जो उदासियां थी, जिन्होंने दुनिया के अंदर एक मैसेज देने के लिए गए, वो आपने उसका राजनीतिकरण कर दिया। आप अपनी राजनीति के लिए हम मना नहीं करते, आप मोदी जी को 10 गालियां निकालते हैं, आप मोदी जी को अलग अलग शब्दों से बुलाते हैं, हम कहते हैं ठीक है आप अपनी राजनीति कर रहे हैं, परंतु आप साहब श्री गुरु नानक जी को अपनी राजनीति में घिसेंगे, ये कहां से ठीक है? दीपक जी आपने सवाल तो मोदी जी पर पूछा, ये भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता गुरु नानक देव जी पर आ गए और ये भूल गए कि उस मंच पर दो सिख भाई, मेरे तो पिता समान है, वो मौजूद थे, दो सिख भाई वहां पर मौजूद थे। यदि गुरु नानक देव जी के बारे में ऐसी कोई बात कही गई होती, जिनका खून पानी हो गया तो मेरे पास इलाज नहीं है, कुछ सिखों का खून पानी हो गया तो मेरे पास इलाज नहीं है उनका, मेरा खून खून है अभी भी, मेरे में सिखी का खून है अभी भी, बाकियों का खून पानी, ये अपमान है, उनका खून पानी हो गया, खून उनका पानी, मेरे मेरे गुरु का आप उपहास उड़ाएंगे, मेरे मेरे गुरु का, और वो और मेरे गुरु नहीं है, वो इंसानियत के गुरु है, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया, उन्होंने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने भारत जोड़ो नहीं करी थी, उन्होंने इंसानियत का मैसेज दिया दुनिया को, भौतिक स्तर है भाजपा के प्रवक्ता का, वो कह रहे हैं इनका खून खून, और इनके अमेरिका में ईरान तक गए, ईरान तक गए, वो ईरान तक गए, चाइना गए, श्रीलंका गए, वो भारत जोड़ने के लिए गए, ईरान और चाइना नहीं, बगदाद भी गए, और बगदाद में जब मैं रिपोर्टिंग कर रहा था वॉर में, तो उस गुरुद्वारे को मैंने कवर किया है बकायदा, जहाँ गुरु नानक साहब ठहरे थे, गुरु नानक देव जी ठहरे थे, और वहां पर बकायदा एक गुरुद्वारा है बगदाद के अंदर, मेन बगदाद में। महिमा जी बात तो आरपी सिंह जी का मैं फेवर नहीं कर रहा हूं, लेकिन उनकी बात लॉजिकल है कि आप एक धार्मिक, मुझे आपसे एक बात पूछनी है, आपने वीडियो देखा होगा मंच पर, वहां मंच पर और सामने जिनको वो संबोधित कर रहे हैं और सिख भाई बहन मौजूद हैं,
आप इस बात से सहमत हैं कि मंच पर दो सिख भाई मौजूद हैं? हाँ मैं बिल्कुल कह रहा हूँ, हाँ मैंने वीडियो देखा, उसमें दो मौजूद है, मैंने भी दिखाया। खून खून उनका खून पानी, इनका खून खून इनके कौम के, अमेरिका बैठे हुए भाइयों का खून पानी, शर्मनाक बात है। अरे हाँ मैं कह रहा हूँ, हो गया था, इतना घमंड अच्छा नहीं है सर, इतना घमंड अच्छा नहीं है। मैं तो कह रहा हूँ कांग्रेसियों का खून पानी है, जिसके पिता ने 3 हजार सिखों का कत्लेआम कराया हो उसके साथ खड़े उनका खून पानी है। मैं कहने को तैयार हूँ, मुझे तो इसके हमारे देश के आज तक 3 हजार सिखों का कत्लेआम कराया हो, टायर डालकर गिरवाया हो, वो उनके साथ खड़ा होना मतलब आपका खून पानी है। हमारे देश को आज तक का इकलौता सिख प्रधानमंत्री दिया कांग्रेस ने, और उनका हास्य जब उड़ाया मोदी ने, अब आपका खून पानी नहीं था? वो उन्होंने कभी कभी सिखों के पक्ष में कोई बात करी क्या? उन्होंने क्या 1984 के सज्जन कुमार को जेल भेजा क्या? उन्होंने स्ट्राइकर के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया? कभी उन्होंने करतारपुर कॉरिडोर खोलने की बात करी क्या? उन्होंने गुरु नानक देव जी की जो वाणी है उसकी देश की भाषा में ट्रांसलेशन करने की कोशिश कराई क्या? वो मोदी नहीं थे इसलिए सिर्फ सिखों की बात नहीं की, मोदी मोदी है इसलिए सिर्फ हिंदू की बात सिखों की नहीं है। बात यह कि कैसा ज्ञान है, कैसी बुद्धि है आपके नेता की, बात यह है कि कितनी कैसी सोच है उनकी, बात यह है। देखिए अब आप भी मीनाक्षी लेखी की तरह भागने लगेंगे यहाँ से अगर मैं और तर्क दूंगी तो, लेकिन वो सिख होते हुए उन्होंने मैं सरदार हूँ और असरदार हूँ, मेरा खून अभी पानी नहीं हुआ, मेरा कांग्रेसियों के द्वारा खून पानी नहीं हुआ, मैं भागने वालों में से नहीं हूँ। एक बार स्पष्ट समझिए, आपके नेताओं ने पिछली बार गए थे कैम्ब्रिज में जाकर सिख बच्चों को उकसाया, ये कहा कि आप द्वितीय श्रेणी के नागरिक है भारत के अंदर, मोदी जी ने आपको द्वितीय श्रेणी का नागरिक बना दिया। जिन मोदी जी ने करतारपुर का कॉरिडोर खोला, जिन मोदी जी ने गुरु नानक देव जी की वाणी का 19 भाषाओं में ट्रांसलेशन करने का बीड़ा उठाया, जिन मोदी जी ने सज्जन कुमार को जेल में भेजा, जिन मोदी जी के चलते हुए टाइटलर के खिलाफ मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, आप उनका उनको लेकर कह रहे हैं कि नहीं मोदी जी से, वही प्रधानमंत्री मोदी जिन्होंने 2014 से पहले हमारे दादा दादियों का मजाक उड़ाया ये बोल करके कि हम 2014 से पहले भारतीय कहलाने में शर्मसार महसूस करते थे, आप सबको शर्मानी चाहिए। ये आप उनको गलत कॉट कर रहे हैं, ये उन्होंने विदेश के धरती पे जाकर एड्रेस करते हुए कहा, क्योंकि मूल बात उसका उत्तर दीजिए कि क्या गुरु नानक देव जी की उदासियां, गुरु नानक देव जी की यात्राएं राजनीतिक थी क्या? वो भारत जोड़ने के लिए थी क्या? आप नहीं कह रहे थी जो इंसान दीपक जी, आप तो आप नहीं कह रहे कि आपका शो गुरु नानक देव जी के ऊपर नहीं है, ठीक है मेरा शो भाई गुरु नानक देव जी पर भी नहीं है। आरपी सिंह जी आपने अपनी बात रख ली, उन्होंने जवाब दे दिया, अब आगे बढ़े। नहीं नहीं उपहास हो रहा है दीपक, दीपक गुरु नानक देव जी मेरे गुरु नहीं है, वो आपके भी उतने गुरु हैं। इस देश मेरे गुरु हैं, श्रद्धा से नाम लेता हूँ गुरु नानक देव जी। मुझे एक सवाल पूछना है, मुझे एक सवाल पूछना है दीपक जी, संसद का उद्घाटन हुआ, सिर्फ एक धर्म के वहां पर सब रिचुअल्स किए गए, सब विधि विधान किए गए, इनका खून तब पानी नहीं हुआ जब दीपक चौरसिया जी कृपा करकर टीवी दिखा दीजिए, इनको वो पूरा का पूरा धर्म प्रार्थना हुई वहां पे, कुर्बानी पड़ी गई, वहां पे कुर्बानी पड़ी गई है। देश के अंदर धर्म निरपेक्षता की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं, इनका खून पानी नहीं हुआ। बदलो चश्मा, चश्मा बदलो, वहां कुर्बानी पड़ी गई थी। ये देखिए ऐसा है दीपक जी कि ये तो चश्मा इन्होंने लगाया हुआ है मोदी नाम का, इन्होंने चश्मा लगाया हुआ है भाजपा नाम का, बता रहा हूँ ना इनको इस देश के अंदर ये दिखाई देगा। तो संकोल बता दीजिए किन किन धर्मों कौन से राजदंड आए थे वहाँ पर, जो राजदंड दिया गया, मोदी भी आए थे वहाँ, जैनी भी आए थे वहाँ, सिख भी आए थे वहाँ, क्रिश्चियन भी आए थे वहाँ, मुसलमान भी आए थे। तस्वीर तो नहीं आई, कोई तस्वीर नहीं आई वहां पर आपके गुरुओं की, लेकिन वो जो उनको राजदंड दिया गया ना, आपका चश्मे का नंबर मैं नहीं बदल सकता, चश्मे का नंबर ठीक कराओ आप, वो जो राजदंड दिया गया उसके ऊपर एक बात लिखी है, वो जो राजदंड दिया गया है उनको उसके ऊपर कुछ लिखा हुआ है तमिल के अंदर, और वो ये लिखा हुआ है इट इज आवर ऑर्डर दैट द किंग द वर्शिपर ऑफ लॉर्ड शिवा will rule as if he rules in heavens, जैसे स्वर्ग में राज करते हो ऐसे राज करेंगे, और उस राजदंड को माथे पर राख लगा करके नेहरू जी को जब उस सिंगोल को दिया गया था तो एक भेंट स्वरूप तमिलनाडु के जो वहां के लोग थे उन्होंने लाकर दिया, उसके ऊपर बड़े आर्टिकल छप चुके हैं और इनकी सारी फेक न्यूज को जो है ध्वस्त किया जा चुका है। ये तो हवा हवा ही बात है, एक झलक नैरेटिव दे रहे हैं प्रधानमंत्री।